समाज के लोगों ने ऐसा नहीं है कि हम पीछे हट गए थे कि अगर ये हमारे नहीं हमें अपना रहे हैं तो पीछे हटकर धर्म परिवर्तन करने का सोच लिया था। नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन मौर्य और आप देख रहे हैं जनित प्राइम शो। आज के शो में हम बात करेंगे खरगोन की दलित बहादुर लड़की की। यह लड़की आजकल चर्चाओं में क्यों है, इस पर हम आज विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए आज का वायरल वीडियो। यह वीडियो प्रयागराज रेलवे स्टेशन का है। हजारों युवा छात्र गृह जिलों में वोट डालने के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में युवा जय अखिलेश के नारे भी लगाते हुए सुनाई दे रहे हैं। आपको बता दें, इस वीडियो को समाजवादी पार्टी के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर किया गया है। इस वीडियो को देखकर यह तो स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में रोजगार का मुद्दा विभिन्न पार्टियों पर कितना भारी होने वाला है। साथियों, इस प्रोग्राम को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपको मैं एक जानकारी दे दूं। इस शो को हमने तीन भागों में बांटा है। पहले भाग में वायरल वीडियो की बात करते हैं हम। सेकंड भाग में पूरे दिन की जितनी भी सुर्खियां हैं उन सुर्खियों पर बात करते हैं। और लास्ट के और अंतिम भाग में हम मुख्य खबर पर विस्तार से बात करते हैं। इस प्रोग्राम को हमने ऐसे फॉर्मेट में क्यों बनाया उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। साथियों, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में समय किसी के पास नहीं है। तमाम ऐसी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं जो आपके लिए जानना जरूरी होती हैं, लेकिन समय की कमी के कारण आप उन खबरों को नहीं देख पाते हैं। और दूसरी बात, आपके डेटा पैक में जो आपको डेटा दिन भर में 1 GB या 2 GB मिलता है वो शाम होते होते ख़त्म होने लगता है, तो आप चाहकर भी सभी खबरों को नहीं देख सकते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में तो यह समस्या आमतौर पर है, तो इसीलिए हमने कोशिश की है कि इस प्रोग्राम में पूरी दिन भर की खबरों को हम कवरेज करें जिससे कि आपके लिए ज़रूरी खबरें न छूट पाएं। तो साथियों, सबसे पहले जानते हैं हम आज की सुर्खियां। भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को मोबाइल नंबर और लोकेशन के साथ तुरंत संपर्क करने को कहा है। दूतावास के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट ने एक गूगल फॉर्म पोस्ट किया है जिसमें नाम, पासपोर्ट नंबर और वर्तमान स्थान जैसे बुनियादी विवरण मांगे गए हैं। बता दें कि यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 11वां दिन है। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी, अगले महीने से मिलेगा फायदा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने जन्मदिन पर शनिवार को घोषणा की है कि इस साल अप्रैल से राज्य के सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता केंद्र के समान 31% की दर से दिया जाएगा। अमृतसर में BSF जवान ने अपने साथियों पर गोलियां बरसाईं, 5 की मौत। घटना रविवार आज सुबह 9:30 बजे से 9:45 बजे के बीच की बताई जा रही है। हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी अधिनियम पेश किया। मध्य प्रदेश में जेएस के पदाधिकारियों को नंगा कर थाने में बैठाया, संगठन के पदाधिकारियों में आक्रोश। सुर्खियों के बाद अब बात करते हैं आज की मुख्य खबर की। साथियों, आपको बता देंगे खरगोन में जिस प्रकार से दलित युवती को मंदिर जाने से रोका गया उसके बाद ये मामला गरमाया गया है, क्योंकि जैसे ही इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तमाम सामाजिक संगठन भी इस युवती के साथ खड़े हो गए हैं और उन्होंने पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने इनकी FIR भी की। मंदिर का जो पुजारी है और उसके साथ साथ एक और अन्य महिला सहित एक अज्ञात महिला पर भी कार्रवाई की है। समाज के लोगों ने ऐसा नहीं है कि हम पीछे हट गए थे कि अगर ये हमारे नहीं हमें अपना रहे हैं तो पीछे हटकर धर्म परिवर्तन करने का सोच लिया था। जब धर्म परिवर्तन किया ना तो उसका भी कुछ विद्रोह हुआ था कि आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, आप हिंदू हो, हिंदू बन के रहो, धर्म परिवर्तन क्यों कर रहे हो, तो फिर हम धर्म परिवर्तन क्यों नहीं कर रहे आप मेरे को। लेकिन अब ये मामला इतना तूल क्यों पकड़ रहा है उसका भी एक कारण है। साथियों, आपको बता दें आज खबर आ रही है कि जिस पुजारी पर SC ST एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई थी उस पुजारी को आज जमानत मिल गई है।
जमानत तक तो ठीक है, सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि जब पुजारी जमानत लेके बाहर आया तो पुजारी के समर्थक कितनी बेशर्मी से इस बात का जश्न मना रहे थे कि मानो पुजारी ने कोई बहुत बड़ा महान काम किया है। सोचिए, इस देश को आजाद हुए 75 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आज भी खुद को ऊंचा समझने का कीड़ा इनके दिमाग से अभी नहीं निकला है। जब तक किसी देश में रहने वाला कोई समाज प्रगति नहीं करेगा तो उस देश की, उस राष्ट्र की प्रगति की कल्पना कैसे की जा सकती है। तो साथियों, आज के इस शो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए जनता आवाज। उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।